हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बच्चों डिटेल एनालिसिस की थी कि डाइजोनियम सॉल्ट का क्या फंडा होता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसका इनर कंसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में बच्चों डिटेल वीडियो देखी हुई है। जिन भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, प्लस आई बटन में भी दोस्तों आपको उसका लिंक मिल जाता है। दोस्तों, आज बारी है हम लोग की उसी डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की। देखिए बच्चों, अमीन्स चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमें बच्चों इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग अपने डाइजोनियम सॉल्ट के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, जितने भी बच्चे नए हैं, प्लीज़ बच्चों आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले IIT JEE नीट एग्जाम के लिए हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त स्पेशल सीरीज करने वाले हैं। सो आप अगर चाहते हैं कि उसकी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो तो प्लीज़ बच्चों आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लस बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला सवाल हम लोग उठाते हैं, ठीक है। पहला सवाल हम लोग के पास एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, कंसेप्चुअल है, मज़ेदार है। अपने को एक कंपाउंड दिया हुआ है ए, ठीक है। अब यार, ये जो कंपाउंड ए है इसके बारे में देखिए हमको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहली चीज़, जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के दौरान बच्चों हमको 3 Br मिल जा रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अब बच्चों बताइए, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही, मतलब ब्रोमिनेशन। अब नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि अगर हम इसका बच्चों DOU निकालते हैं तो इसका DOU 3 से हमको ज़्यादा ही मिलेगा, 4 मिल जाएगा इसका DOU। सो इसका DOU बच्चों 4 है सर्टेनली। सो DOU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, सो 2N+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो 2N+2 16 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 प्लस नंबर ऑफ हैलोजन 3 और नाइट्रोजन की संख्या को माइनस करेंगे एंड अपॉन 2। तो ये चीज़ अगर हम करेंगे बच्चों तो 4 आ जाएगा। सो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक कंपाउंड है, सर्टेनली बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में हमको 3 Br लगाने, वो भी सिर्फ Br2 के द्वारा, नो लुइस एसिड। तो ये कब संभव है, या तो मॉलिक्यूल में फिनॉलिक ग्रुप हो या फिर मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप हो, क्योंकि फिनॉल और एनिलीन ही Br2 प्लस वाटर से बिना लुइस एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराते हैं। और वो भी कैसी ब्रोमिनेशन होती है, पॉली ब्रोमिनेशन होती है, 3 Br लग जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर NH2 ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन इस कंपाउंड के बारे में बच्चों बातें हो रही हैं, तो नाइट्रोजन होना चाहिए। और नाइट्रोजन काफ़ी इस तरीके से होना चाहिए कि भाई हमको 3 Br ऐसी रिएक्शन के दौरान मिल जाए। पहली चीज़ ये हो गई। अगली चीज़, ये बंदा NaNO2HCl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, फिर बीटा नैप्थॉल के साथ। बीटा नैप्थॉल याद रखना पड़ेगा, थ्योरी वीडियो में जा कर के देखो यार, ये अपना बीटा नैप्थॉल इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद हमको रिएक्शन करा देगा, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे डाइजोनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और हमको एक कलरफुल कंपाउंड दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। सो बीटा नैप्थॉल के साथ रिएक्ट करके ये बी बनाएगा, जो कि कलरफुल कंपाउंड दोस्तों अपने को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है बच्चों, जो कि ये चीज़ हमारे लिए फुलफिल कर सके। तो देखिए, पहली चीज़ बच्चों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अगर हम बच्चों इस मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ये बच्चों है सेकेंडरी अमीन। दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है हमारा सेकेंडरी अमीन है, और सेकेंडरी अमीन बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट के दौरान एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा। सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाते, बल्कि एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं, जो कि येलो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जिनका कोई आगे कमर्शियल या सिंथेटिक एप्लीकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट और अल्फा नैप्थॉल बीटा नैप्थॉल वाली रिएक्शन नहीं मिलेगी, तो इसको कटा दिया हमने। इसमें देखिए बच्चों प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बच्चों हमारी पैरा पोजीशन ब्लॉक है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे Br2 वाटर वाली रिएक्शन करेंगे तो हमको 3 Br नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ 2 ही Br मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रोमिनेशन होगा, इसलिए इसको भी हम लोग कटा देंगे। यहाँ पर देखिए फ़ायदा ये है कि हमको 3 Br मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन खाली है। तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है और सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर संभव हैं। यहाँ पर भी दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है मिथाइल से, तो Br2 सिर्फ मेटा और Br2 बच्चों सिर्फ हमारा पैरा और रिमेनिंग ऑर्थो पे ही लगेगा, तो यहाँ पर Br3 वाली चीज़ नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे बच्चों जो हमारा सही सवाल है, जो सही आंसर है बच्चों, वो है मेटा मिथाइल पे, मेटा मिथाइल एनिलीन, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखिए सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए दोस्तों किस तरह से होगा, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको अगर हम Br2 से ट्रीट करेंगे तो बच्चों हमको
हमको 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिथाइल सब्सिट्यूटेड वाला हमको मिल जाएगा। और अगर हम इसको डाइजोनियम सॉल्ट नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे तो पहले बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि फिर बच्चों अल्फा बीटा टैपोल के साथ रिएक्ट करके, जो कि दोस्तों बीटा टैपोल के साथ रिएक्ट करके इस पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन देगा। और याद करो क्यों बच्चों यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती थी, यहाँ पे दोस्तों कपलिंग रिएक्शन क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ पर हमको रिएक्शन के दौरान एक बढ़िया सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों मिल जाती थी, रिएक्शन के दौरान हमको बढ़िया सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाती थी, तो इसलिए हमारा यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन हो जाती थी। तो दैट इज गोइंग टू बी द एंटायर रिएक्शन। और इस सवाल का बच्चों जो सही आंसर है ये कैसे पहचाना, पहली बात तो ये प्राइमरी अमीन है, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट भी बनेगा, प्लस इस अमीन में बच्चों ऑर्थो पैरा पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी फॉर्म होएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों सेकेंड रिएक्शन हमको अगेन वंस अगेन बच्चों कपलिंग रिएक्शन के लिए दी जा रही है, अपन को ये डाइजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि अगर मान लीजिए दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, अगर बच्चों कभी भी आपको ये डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है और आपको यहाँ पे बच्चों कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट कहाँ पे लगेगा, इसकी पहली पसंद क्या होती है बच्चों, पैरा पोजीशन। डाइजोनियम सॉल्ट पहले कहाँ अटैक करता है, पैरा पोजीशन पे। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक है, तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन कहाँ होगी, ऑर्थो पे होगी। और तीसरा कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए बच्चों पैरा पोजीशन ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक किससे, COH, या फिर बच्चों पैरा पोजीशन किससे ब्लॉक है, सल्फोनिक एसिड से, तो ऐसे केस में सिंस दे आर वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो ऐसे केस में दोस्तों डाइजोनियम सॉल्ट वंस अगेन अटैक कहाँ करेगा, पैरा पे ही अटैक करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट अटैक करेगा और इन गुड लीविंग ग्रुप्स को हटा करके लग जाएगा। ये तीन कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, दोस्तों ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है और ये डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन कराना चाह रहा है। कपलिंग रिएक्शन के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक स्पीशीज, एंड यस इट्स एन इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक स्पीशीज है हमारे पास। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है पैरा पे अटैक करेगा और बना लेगा बढ़िया सा ब्राइट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। वो जो ब्राइट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है क्या होगा आपको बताता हूँ, बट उसके पहले इस सवाल के नीचे ये जो कंसेप्ट आपको रटाए हैं उसको ध्यान रखना। पहले कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक स्पीशीज पे। कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, अगर पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, लेकिन अगर पैरा पे सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पैरा पे अटैक करेगा उनको रिप्लेस आउट करके। ये तीन चीज़ें बच्चों याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए इस सवाल का आंसर जल्दी से लिख देते हैं। सो दोस्तों इस सवाल में ये जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है दोस्तों अटैक करेगा, ठीक है ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पे अटैक करेगा, और हमको दोस्तों ये स्पीशीज बना के देगा जो कि एक बढ़िया सा ब्राइट कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। और आप लोगों को बच्चों ये जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कोई और नहीं है बल्कि दिस इज मिथाइल ऑरेंज। यस इट इज मिथाइल ऑरेंज जो कि हमारा बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन में बच्चों यूज होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर बच्चों, हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली इसको पूछा जा सकता है क्योंकि मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्लीन हमारे को क्लास 11 12 में हम लोग यूज करते हैं। सो यू मस्ट नो देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हमको बच्चों मिथाइल ऑरेंज का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। चलिए साहब यहाँ पर आते हैं जल्दी से। सो अपने को ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रीट करें, क्या बनेगा। सबसे पहले NaNO2HCl नाइट्रस एसिड बनाएगा जो कि बना देगा क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इस अमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। तो पहले चलिए भाई डाइजोनियम सॉल्ट बना देते हैं, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और अब बच्चों ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसको किससे ट्रीट कर रहे हो तुम, एनिसॉल से ट्रीट कर रहे हो। व्हाट इज एनिसॉल, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में OCH3 लगा हुआ है, इट्स अ प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें कपलिंग रिएक्शन होगी। कपलिंग रिएक्शन किस में होती है, बेंजीन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड में।
तो ये अपना बच्चों प्यारा सा डाइजोनियम सॉल्ट आएगा और इसके पैरा पोजीशन पे लग करके बना देगा बहुत प्यारा सा ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे सीन होगा। तो इस सवाल का आंसर ये वस्तु का निर्माण होगा, इस सवाल में दोस्तों इस वस्तु का निर्माण होगा, ये कॉम्प्लेक्स का दोस्तों फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, NaNO2 अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा और एनिजोल के ऊपर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। चलिए साहब आते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल, 2011 IIT JEE का सवाल। ब्रिलियंट कलर डाई विद अल्फा नेप्थॉल विद बीटा नेप्थॉल, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि ब्रिलियंट कलरफुल मतलब ब्राइट कलरफुल कॉम्प्लेक्स दोस्तों हमको देगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड बीटा नेप्थॉल के साथ ब्राइट कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमको देगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों बीटा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बीटा नेप्थॉल अपना कौन होता है, दिस इज अल्फा नेप्थॉल एंड दिस इज बीटा नेप्थॉल। सो अगर हमें यहाँ पे OH लगा दिया तो ये हो जाएगा बीटा, और अगर यहाँ पे OH लगा दिया तो क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो ये बच्चों अपना बीटा नेप्थॉल है और कौन सा बंदा बीटा नेप्थॉल के साथ ब्राइट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों जो कपलिंग रिएक्शन में जो कंपाउंड बनते दे आर ब्राइट कलर्ड, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लंबा चौड़ा रेजोनेंस होता है और लंबे चौड़े रेजोनेंस वाले कंपाउंड में विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की बच्चों क्षमता होती है। सो विजिबल लाइट में एक पर्टिकुलर कलर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं और बची हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ बच्चों वी ऑब्टेन कलरफुल कंपाउंड। अब ये जो कपलिंग रिएक्शन है ये कब संभव है, जब हमारे पास क्या होगी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। सो ओनली एरोमेटिक प्राइमरी अमीन फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। कौन बनाता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एलिफेटिक अमीन एल्कोहल बना देगा, ठीक है, सेकेंडरी अमीन नाइट्रोसो कंपाउंड बना देगा। सो हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, क्या ये है, नहीं ये तो 3 डिग्री अमीन है, कटाओ इसको, क्या ये है, ये तो 2 डिग्री अमीन है, कटाओ इसको, ये है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन और ये तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है बाबा, इससे हमको कपलिंग रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वी नीड टू सर्च फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो कि बढ़िया सा डाइजोनियम सॉल्ट बनाए और जो कि बच्चों इसके साथ बढ़िया सा कलरफुल ब्राइट कलरफुल कंपाउंड बच्चों फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा नेप्थॉल विद डाई टेस्ट रिक्वायर्स व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन। ठीक है, बीटा नेप्थॉल में डाई टेस्ट के लिए हमको किस तरह की कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, दैट वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन JEE 2014। So, दोस्तों याद रखिए, इस चीज को याद रखना है बच्चों, ये कपलिंग रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बहुत सारे सवाल बने। कपलिंग रिएक्शन बच्चों आपके अपकमिंग JEE मेन नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ध्यान से बच्चों तैयार कर लो, 20-25 मिनट का वीडियो है, देख लोगे बच्चों सारी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये जो स्पीशीज होती है दोस्तों वो क्या चीज होती है, ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है। तो दोस्तों अगर हमने इस डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल जैसी स्पीशीज से रिएक्ट कराना है देन वी नीड pH 9 to 10, और अगर हमने इसको एनिलीन जैसी स्पीशीज से रिएक्ट कराना है देन वी नीड pH 5, हमें बच्चों यहाँ पे pH 5 चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी पड़ेगी। देखिए फिनॉल के साथ क्या पंगा होता है, अगर हम हल्का सा बेसिक मीडियम लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पे ये जो OH होता है निकल लेता है और ये बन जाता है O-, नाउ दिस O- इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और जिस कारण से ये बेंजीन काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बढ़िया से डाइजोनियम सॉल्ट आता है पैरा पोजीशन पे, बढ़िया से कपलिंग रिएक्शन करके कलरफुल कंपाउंड देता है जो कि फिर आगे चल के एसिडिक मीडियम में हम इस O- को वापस से H+ दे देते हैं, तो फिर बाद में बच्चों वर्कअप के दौरान ये O- OH में कन्वर्ट हो जाता है। बट इनिशियली यूनिट क्या यूनिट स्लाइडली बेसिक कंडीशन, फिनॉल में ये रहेगा, नेप्थॉल में भी ये रहेगा, अल्फा बीटा सब नेप्थॉल में ये रहेगा। कभी भी अगर बेंजीन इससे OH लगा हुआ है तो कपलिंग रिएक्शन के लिए यू नीड बेसिक कंडीशन, नोट कर लो इसको। और अगर बच्चों कभी भी बेंजीन में NH2 लगा हुआ है तो आपको कैसा कंडीशन चाहिए, हल्का सा एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, हल्का सा एसिडिक, pH 5 काय को, क्योंकि बच्चों pH 5 में सीन अपना ये हो जाएगा कि भाई pH 5 में बच्चों कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है कि वी गेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। At pH 5, we have maximum concentration of diazonium salt. So this reaction occurs with maximum yield. ये बच्चों यहाँ पे concept होता है। So हमको हल्का सा बच्चों acidic medium लेना है। ज़्यादा acidic medium में ये NH2 protonate होके ammonium ion हो जाएगा, जो कि बच्चों electron rich की जगह electron deficient कर देगा benzene को।
और बहुत ज़्यादा बेसिक में ये जो N माइनस है इस पे OH माइनस अटैक करके इसको काम खराब कर देगा. सो व्हाट वी नीड स्लाइटली एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम, बिकॉज एट स्लाइटली एसिडिक मीडियम वी हैव एन इक्विलिब्रियम इन सच ए स्टेट सो दैट वी ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जिससे हमारी कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट मैक्सिमम यील्ड के साथ फॉर्मेशन होता है. रट्टा मार लो, याद कर लो इस चीज़ को. सो यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन होगी और अपन ने ये दोस्तों ब्राइट कलरफुल कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा. ठीक है, पीएच को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. सो फिनॉल और नैप्थॉल के साथ अपने को ये सीन होता है. ठीक है, सो अपन से पूछ रहा है कि बीटा नैप्थॉल के साथ क्या होगा. बीटा नैप्थॉल वी ऑल नो बाबा ये होता है बीटा नैप्थॉल. ठीक है, तो यहां पे बच्चों कौन सी कंडीशन चलेगी, स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन. What we need? Slightly alkaline condition. ठीक है बच्चों, हल्की सी alkaline condition में अपना काम होगा. तो भैया ये होता है सीन और इस तरह से कंप्लीट हो जाता है अपना क्या, डाइजोनियम सॉल्ट. ठीक है, बहुत जल्द बच्चों अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ाई करेंगे कुछ छोटे चैप्टर की जो कि आपके अपकमिंग जेई मेन और नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दोस्तों मेरा सपना है कि आपके अपकमिंग जेई मेन और नीट एग्जाम से पहले आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करा दें, सो दैट बच्चों कि आपके जेई एग्जाम में बच्चों कम से कम 5-10 सवाल एकदम तुरंत देखते ही आपके हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए बच्चों पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो भी चुन चुन के अच्छे अच्छे कंसेप्ट हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं, वो दोस्तों आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिविजन कराएं. चलिए बच्चों इसी तरह से मुलाकात करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर और अच्छे से दोस्तों पढ़ाई करते रहिए. चलिए दोस्तों ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय, टेक केयर.